मुझको माल मांगता है, कोई लफड़ा कोई झगड़ा नहीं मांगता, माल देके माल लेने आया। अबे औकात है क्या तेरी माल बेचने की? कोकेन है कोकेन, चुटकी चुटकी का हिसाब देना पड़ता है, सोच ले। सोचना बहुत पहले छोड़ दिया था मैंने, और रही बात हिसाब की तो हिसाब का एकदम पक्का हूँ मैं, सब कुछ चुका देता हूँ। अगर नहीं चुका पाया ना तो गन के अंदर जो कुछ भी है ना सब कुछ तेरे भेजे के अंदर होगा, जानता है कितना लोहा है इसमें? लोहा नहीं, गन पाउडर, आधी उंगली बराबर होती है ये गोली, लेकिन जब अंदर जाती है ना तो हाथ बराबर जितना छेद करके निकलती है, लेकिन मुझे सिर्फ माल बनता है। ओ मास्टर जी, अपना ये ज्ञान कहीं और बांटना, और तू कुछ ज्ञान ज्यादा ध्यान से ले रही है। ए, कहां से मिला बे तुझे ये? ये साला ड्रग पेडलर नहीं लगता मेरे को। चल फटाफट अपना नाम पता और इंट्रोडक्शन दे चल। बहुत दिनों से तुम लोग इस शहर में रावण बन के घूम रहे हो ना, अब मैं आ गया तुम सबकी लंका लगाने। तू हमारी लंका लगाएगा? अच्छी दिखती हो, अच्छे लोगों के साथ उठा बैठा भी करो, निकलो ऐसे, निकलो। के जाने न पाए। तू है कौन और तूने हमें क्यों ठोका? तुम्हारे नेटवर्क में जितने भी करप्ट पुलिस वाले हैं ना, उन सब का हिसाब चाहिए मुझे, उन सब का नाम चाहिए जिनसे डर कम और दुआ सलाम ज्यादा तेरी, और अगर जरा सी भी चालाकी दिखाई ना तो याद रखना आयुष्मान नाम है मेरा, पहले एक्शन फिर सेक्शन। एकदम अबे से मिला के हल्के मसालों में डूबी हुई एक स्पाइसी एंड स्पेशल डिश। क्या मासी, सीधे सीधे बोलो ना, पालक पनीर है। अच्छा, तुम्हारी जनरेशन को सीधा सीधा समझ कहाँ आता है? But as promised, ये है हमारा फैमिली डिनर, ओके? सर, टारगेट घर पर है। हाँ वर्षा, पैलेट पियर पे एक वारदात हो गई है। ओके, जॉन को बुलाओ एंड सील द एरिया, मैं अभी आ रही हूँ। एक और पुलिस वाले पे हमला। फिर
लिए एक बार पुलिस से हमला हो। ये लड़के कौन है जिनका खून हो रहा है? पुलिस क्या एक्शन लेने वाली है? एक और पुलिस वाले पे हमला। ये लड़के कौन, ये लड़के कौन है जिनका खून है? एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देश का संविधान भी किसी को मौत की सजा सुनाने से पहले 100 बार सोचता है, पर कुछ लोगों ने तो जान लेने को मजाक बना रखा है। वर्षा लड़की की शिनाख्त हुई? यस मैम, आइडेंटिफाई कर लिया। लड़की का नाम दिया है, उम्र 23 साल, बुलंदशहर के चांदपुर की रहने वाली है, और इसके कपड़ों और फोन को देखकर लगता है कि मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। इसके फोन का लास्ट इनकमिंग कॉल 4 बजे का है, वो भी किसी फोन कंपनी के साथ, और लास्ट आउटगोइंग कॉल 100 नंबर पे, और उससे पहले 2 बजे बात की थी किसी से 32 सेकेंड। इसके फोन का स्टेप ट्रैकर देख के लगता है कि ये रोज 10 से 15 हज़ार कदम चलती थी, और इसके फोन पे कोई कैब बुकिंग ऐप भी नहीं है, तो हो सकता है जब ये बस के लिए जा रही हो तभी हादसा हुआ। और ये दूसरी बॉडी ASI मुकेश सावंत। हमने एक केस में कुछ महीने पहले एक साथ काम किया था, सोचा नहीं था ऐसे मुलाकात होगी इस हाल में। CCTV इतना दूर है, लगता है प्लान करके मर्डर स्पॉट ढूंढा है। वर्षा, अनुज, ये CCTV चेक करो, और 1000 मीटर के रेडियस में जितने भी CCTV है ना, उन सबको चेक करो। यस मैम। जिसने भी मारा है आसमान से तो नहीं आया होगा। गाइस, एक पुलिस वाले की मौत हुई है, अभी सिर्फ प्रोफेशनल नहीं पर्सनल भी है। बारिश शुरू होने से पहले अपने फ्लैशेस चमका दो, अगर ऊपर वाले ने अपने फ्लैशेस चमकाने शुरू कर दिए तो सारे सबूत बारिश से मिट जाएंगे। कम ऑन, क्विकली, वेरी क्विकली, कम ऑन। एक और पुलिस वाला, ACB सुगंधा मैटर हाथ से निकल रहा है। लोग हंस रहे हैं कि पुलिस वाले अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे, पब्लिक की हिफाजत कैसे करेंगे? सर, वो हेडलाइंस होगी अखबार में अगर इस केस को जल्दी सॉल्व नहीं किया तो। और क्या पता चला? सर, इससे पहले भी एक वारदात हो चुकी है और अब ये दूसरा केस, और दोनों ही केस में एक लड़की और एक पुलिस वाले की लाश मिली है। आई थिंक इसके पीछे जो भी है उसका मकसद भी एक है और उसका दिमाग भी। वो एक आदमी हो या 10, I don't care. जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता कोई घर नहीं जाएगा। Is that clear? Yes, sir. अगले 24 घंटे में खूनी मुझे कस्टडी में चाहिए, no matter what. Yes, sir. साहब, हमने चारों तरफ छानबीन कर ली है, सर किसी ने कुछ भी नहीं देखा। जब कमिश्नर का कॉल आएगा तो क्या कहूंगा उनसे? You got nothing? No, sir. Find me something. अनुज। Yes, sir. ये आयुष्मान कहाँ है? ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से मरने की वजह ज्यादा खून बहना है। दोनों विक्टिम की मरने की वजह और तरीका भी सेम है। मंजे, खूनी को मांस पे चाकू चलाने की कला आती है। दोनों की मौत एक्सेसिव ब्लड लॉस से हुई है। कट का साइज देख के लगता है कि खूनी ने एक ही हथियार से अलग अलग तरीके से इन दोनों को मारा है। क्या मतलब मैडम? मतलब अनुज, प्लीज एक मिनट इधर आओ। वर्षा। यस मैम। इस पेन से इस पे वार करो जैसे हथियार से करते हैं। यस मैम। गुड। अनुज, तुम नीचे बैठ जाओ जैसे तुम कुछ ढूंढ रहे हो, और वर्षा पीछे की तरफ से आके इस पे वार करो। सर, ये देखिए, 2 वार के निशान। आगे से किए गए अटैक में खूनी के पास इतना कंट्रोल नहीं होता, इसलिए एक से ज्यादा बार स्ट्राइक करना पड़ता है, और इसलिए घाव भी छोटा होता है। वहीं अगर पीछे से वार किया जाए तो कंट्रोल भी ज्यादा होता है और प्रेशर भी। जैसे कि मुकेश के केस में हुआ है, बाएं कान से दाएं की तरफ, लेफ्ट टू राइट। सर, ये वार खूनी ने जल्दबाजी में नहीं, प्लान करके किया है, जैसे कि सब कुछ इसके हिसाब से हुआ हो। पर सवाल ये उठता है कि खूनी ने आखिर इन दोनों लड़कियों को मारा क्यों? शायद हमारे खूनी को लड़कियां अच्छी नहीं लगती होंगी। सर, टाइम मड़ी क्यों? मेहरबानी,
काश ऑटोप्सी रिपोर्ट हमें मरने के साथ साथ मारने की वजह भी बता देती तो काम कितना आसान हो जाता है ना सुगंधा। आयुष्मान, कैन वी जस्ट फोकस एंड कंटिन्यू? आई विल प्रोसीड। कुछ तस्वीरों को अगर पास से देखा जाए तो समझ में आती है, लेकिन अगर उन्हीं तस्वीरों को दूर रख के देखा जाए तो ये समझ में आता है कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाहती है। सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर आज दिनों की लड़की के मोबाइल पे 100 डायल था, इसका ये मतलब हुआ कि वो चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं क्योंकि वो चाहता था कि पुलिस वहां आए। सर आपने जो रिपोर्ट्स मंगवाई थी वो आ गई, प्लीज हैव अ लुक। मौका है वारदात से दो ब्लड सैंपल्स मिले, एक रिया का और दूसरा मुकेश का। दोनों के ब्लड ग्रुप्स अलग थे, लेकिन एक और चीज भी है जो अलग थी। रिया का खून सूख के काला हो चुका था जबकि मुकेश का ताजा था। मतलब ये कि इस खूनी का असली टारगेट ये लड़कियां नहीं, हम पुलिस वाले हैं सर। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम वहीं थे। I'll help you understand. बीड़े। ओ सर। सर, जैसा कि हम देख सकते हैं कि लड़की यहाँ डंपस्टर के पीछे छुपी हुई थी और यहीं से वो पुलिस को फोन करती है, लेकिन मुकेश वहां पहुंचे उससे पहले ही द किलर सॉ हर एंड किल्ड हर। हाँ, और खूनी वहां से भागने ही वाला था कि मुकेश वहां पहुंच गया, इसलिए खूनी ने घबरा के मुकेश का भी कत्ल कर दिया। Am I right? Wrong. Absolutely wrong. बिड़े। ओ सर। सर, जैसा कि नाज़नीन ने बताया कि मौकाए वारदात पर दो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए गए और दोनों ही सैंपल्स में एक खास फर्क है। रिया की बॉडी के पास जो खून मिला है वो सूख चुका था, लेकिन मुकेश की बॉडी के पास जो खून मिला वो ताजा था। इसका ये मतलब हुआ कि मुकेश मौकाए वारदात पर रिया के मरने के कम से कम 15-20 मिनट बाद पहुंचा होगा, राइट? हो सकता है, पर तुम प्रूफ क्या करना चाहते हो? प्रूफ मैं ये कर रहा हूँ सुगंधा जी कि अगर खूनी चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं बल्कि वहीं छुपकर उसने पुलिस के आने का इंतजार किया। ये लड़कियां कोई टारगेट नहीं है, जरिया है पुलिस वालों को वहां तक बुलाने का। और सर, मुकेश जब मौका वारदात पर पहुंचा उसको रिया की लाश मिली। लड़की की बॉडी देखते ही मुकेश ने अपनी गन बाहर निकाली होगी, लेकिन जब उसको लगा कि खूनी वहां से भाग चुका है तो उसने अपनी गन नीचे रखी होगी और रिया की नस चेक की होगी। बस सर, किलर इसी मौके की तलाश में था और यह मौका मिलते ही उसने मुकेश पर उसी चाकू से वार किया जिससे उसने रिया की जान ली। इसलिए सब कुछ सोचने और समझने के बाद मेरी थ्योरी यह है कि पुलिस खूनी के पीछे नहीं, खूनी पुलिस के पीछे है। सर तुम्हारे मेल प्रिविलेज दिमाग में शायद ये बात नहीं जा रही कि दो लड़कियों का कत्ल हो चुका है। तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से तो कातिल ने बिना किसी रीजन के दोनों लड़कियों का कत्ल कर दिया, मैं राइट? रीजन आपके रीजन चाहे जो भी हो, टारगेट कोई भी हो, खूनी सिर्फ एक है और इससे पहले कि वो अपना अगला शिकार करे हमें उसका शिकार करना होगा। सुगंधा एक काम करो, तुम उन दोनों लड़कियों के बारे में छानबीन करो। यस सर। एंड आयुष्मान। यस सर। तुम उन दोनों पुलिस वालों को पता करो। सर। अनुज, वर्षा, तुम दोनों में से जिस किसी को भी इस टीम के बेस्ट ऑफिसर के साथ इन्वेस्टिगेशन सीखनी हो वो मेरे साथ आ सकता है। यू आर ऑल्सो वेलकम। इस कंट्रोल रूम का आइडिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी थी, याद है ना? और 100% रिजल्ट की गारंटी भी। तुम्हारे इस टीम में आयुष्मान, सुगंधा, अनुज और वर्षा को लेना भी तुम्हारा ही डिसीजन था। इस टीम के लिए मैंने ऊपर तक सबसे झगड़ा किया क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि यह टीम जल्द से जल्द केस सॉल्व करेगी। और क्या मिला मुझे? 4 लाशें, 2 सिविलियंस की और 2 हमारे पुलिस वालों की, और कातिल का कोई अता पता नहीं। इसीलिए बनाया था यह कंट्रोल रूम। सर, हमारे जिन साथियों ने जान गंवाई है मैं उन्हें तो वापस ला नहीं सकता, मगर आपको इतना भरोसा दे सकता हूं कि मेरी यही टीम डिपार्टमेंट का सर ऊंचा करेगी। सर, मुझे उनके स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है। सुगंधा का दिमाग वो देख सकता है जो कभी कभी आंखें देखने से चूक जाती है। शी इज द बेस्ट प्रोफाइलर वी हैव। व्हाट अबाउट द अदर गाय? क्या नाम है उसका? आयुष्मान शर्मा। सर, रिजल्ट देने के लिए वो अकेला ही काफी है। वो सोचता शातिर सीआर की तरह है और हमला बाप की तरह करता है। टारगेट हो या केस, उसका निशाना कभी चूकता नहीं है। सर सर, अगर सुगंधा पानी है तो आयुष्मान आग है, और वो प्रूव करना चाहता है कि एक करप्ट पुलिसमैन का बेटा एक क्लीन इमेज के साथ अपनी ड्यूटी निभा सकता है। इसलिए उसे टीम मिलेगा कि उसका पाप करप्ट था। शांतनु, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर उसने कोई भी गलती सर, की तो उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जितनी नफरत अपने बाप से करता है उतनी ही इज्जत वर्दी की करता है, और अगर किसी दिन यह मौका आया कि दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो वो वर्दी को चुनेगा। सर, ही इज इनकरप्टेबल, बिलीव मी।
शांतनु, I like you a lot. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे लिए मैं अपना करियर दांव पे लगा दूं। कल तक अगर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो तुम्हारा कंट्रोल रूम बंद। सर, अगर 24 घंटे के अंदर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो मेरा और मेरी टीम का रेजिग्नेशन लेटर आपके टेबल पे होगा। इन दोनों ही लड़कियों के बीच का एक कनेक्शन बड़ा ही अजीब है। दोनों ही स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। मैम, इसमें बड़ी बात क्या है? इस शहर में तो लाखों लड़कियां रोज आती हैं हीरोइन बनने के लिए, लेकिन काम ढूंढने दोनों एक ही जगह जाती थी, एक ही प्रोड्यूसर के पास ऑडिशन देती थी। रंजन शाह, ऐसा कहाँ होता है? मैम, इसमें तो पॉइंट है, लेकिन इस शहर में तो हजारों प्रोड्यूसर्स हैं जो हीरोइन को काम देते हैं, उन्हें चांस देते हैं, तो फिर एक ही क्यों? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, फिर सबूत क्या चीज है? एनीवे, ये इन्फॉर्मेशन आयुष्मान को भी दे दो, शायद इस बारे में उसे कुछ बताओ। यस मैम। हाँ, मैं टारगेट के पीछे अभी भी हूं। रंजन शाह, रंजन शाह। ओ, पुलिस वाले। कमिश्नर साहब ने भेजा है क्या? उनको कहना उनके फ्री पासेस पहुंच जाएंगे। और हाँ, आप लोग जाइए, मेरी पार्टी में ओनली ग्लैमरस पीपल अलाउड। इन दोनों को जानते हो? मैं इसको नहीं जानता। तुम जानते हो? ये भी नहीं जानती। नाउ गो। मैं बताता हूँ, ये दोनों कुछ महीनों पहले तक तुम्हारी सिक्योरिटी में काम करते थे, अब दोनों मर चुके हैं। तो मेरी सिक्योरिटी में ये लोग काम करते थे? मैं तो इनकी सिक्योरिटी में काम नहीं करता था ना, तो ये लोग ड्यूटी के बाद जिए या मरे, मुझे क्या है? मेनू की वे आर द ड्रिंक्स। हाँ, दिस इज नाइस। ग्रीस खराब नहीं होनी चाहिए। ओके सर। गोबर में कितनी भी चीनी क्यों ना मिला लो, गोबर गोबर ही रहता है। पुलिस वालों की इज्जत करना सीख ले, वरना ऐसी जगह गोली मारूंगा ना, ना खाते बनेगा ना खुजाते, समझा? अगर तूने ऐसी कोई भी बात बोली जो सच ना हो तो तेरी ऐसी पिक्चर बनाऊंगा जिसकी टिकट ब्लैक में बिकेगी और हर शो होगा हाउसफुल, समझ गया? बताता, वो दोनों अपने वर्दी के रौब में सबको डराते धमकाते थे, गलत काम करते थे और करवाते थे। गलत काम मतलब? मेरा नाम और बंगला लेकर ऑडिशन के लिए लड़के को बुलाते थे, लेकिन उनका मकसद कुछ और होता था। जो बोलना है साफ साफ बोल। ये सस्ते और घटिया वीडियो बाजार में बहुत महंगे बिकते हैं, लड़कियों को थोड़े से पैसे देकर दरका देते थे और असली मलाई खुद खा जाते थे। ये पुलिस वाले होते ही बेईमान हैं। आगे। पुलिस के डर से कोई कुछ कहता नहीं था, वो लोग अपना काम करते रहे और पैसा कमाते रहे। फिर एक दिन मुझे पता चला और मैंने बहाना बनाकर उन्हें अपनी सिक्योरिटी से हटा दिया। पता कैसे चला? कोई लड़का आया था ऑफिस में कंप्लेन करने। क्या नाम था? नाम विजू, विजू नाम था उसका। लो,
गांव बसानी और लुटेरे हाजिर। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें भी आती है। Very good. Very impressed. Very overconfident. विजू। यस सर। सर मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। एक दिन ये दोनों पुलिस वाले मिले और बोला कि तेरी बॉडी अच्छी है। रंजन शाह सर की फिल्म में हीरो के दोस्त का रोल है और पैसे भी अच्छे खासे दे रहे थे सर। मड आइलैंड में शूटिंग थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि ये लोग गंदी गंदी फिल्में बना रहे थे मैम। गंदी फिल्में? रंजन शाह तो ऐसी कोई फिल्में नहीं बनाते। सही बोल रही हैं मैडम आप, लेकिन ये दोनों ना सर का नाम लेके मजबूर लड़के लड़कियों का फायदा उठा रहे थे। मुझे जैसे ही पता चला मैं सर के ऑफिस में गया और उनको सब कुछ सच बता दिया। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि उन दोनों को ड्यूटी से निकाल दिया। लेकिन अच्छा हुआ मैम, बहुत बुरे लोग थे ये। मैडम अब आप ही मुझे बताइए कि अगर पुलिस वाले ही ऐसा गंदा बेईमानी का काम करेंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे? थैंक यू। कि अगर पुलिस वाले ही ऐसा गंदा बेईमानी का काम करेंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे? क्या हुआ? उसने जो कहा वो सुन के बुरा लगा? सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी तरह ओवर सेंसिटिव नहीं हूं मैं। अच्छा, तुम ओवर सेंसिटिव नहीं हो तो फिर ये शक्ल क्यों बना रखी है? इस वर्दी पे दाग नहीं, सितारे अच्छे लगते सुगंधा। नफरत है मुझे उन पुलिस वालों से जो anyway, let's not waste time. इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुआ सुगंधा, प्लीज हरी अप। शास्त्री बिल्डिंग, आई रिपीट शास्त्री बिल्डिंग, चौल नंबर 34 से रिपोर्ट दर्ज हुई है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तुरंत संपर्क करें। चार्ली 365, मैं पहुंच रहा हूं। जूतों के निशान किसके हैं? अंदर कौन गया था? हाँ सर, मैं गया था दोनों की बॉडी को कवर करने के लिए। ये जूतों के निशान किसके हैं? पुलिस वालों को तो नहीं लगते। ये जा कहाँ रहे हैं? सावंत, जूता दे अपना। मेरा शक सही था, ये किसी पुलिस वाले के जूते के निशान नहीं है, ये तो किसी स्पोर्ट शू का निशान लग रहा है। इसका मतलब कि यहां से छुपके कोई ब्लास्ट होते हुए देख रहा था और लड़की के मरने के बाद उसने पुलिस वाले का इंतजार किया। एंड आई वाज राइट, असली टारगेट पुलिस वाला ही था। और
क्या हो रहा है ये? एक और हमला, और इस बार भी एक लड़की और एक पुलिस वाला। ये पुलिस वाला भी करप्ट है सर। मुद्दा ये नहीं है आयुष्मान कि उस खूनी ने करप्ट पुलिस वाले को मारा है, मुद्दा ये है कि वो कानून का मजाक उड़ा रहा है। और क्या कर रहे हो तुम लोग? सर ये किलिंग बहुत अलग है, ना ही उस पुलिस वाले का रंजन शाह से कोई लेना देना था, ना ही उन दो पुलिस वालों से। मारने का तरीका भी बहुत अलग है सर। और सर ये जो लड़की है ना, इसका शूटिंग से या एक्टिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, यानी कि दोनों लड़कियों से कोई कनेक्शन भी नहीं है इसका सर। तो तुम दोनों की जो थियरी थी बिल्कुल फेल हो चुकी है, मतलब 99 पे सांप ने काटा एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। ऐसा नहीं है सर, मुझे मौका वारदात पर एक रैपर मिला है, एक चॉकलेट रैपर, एविडेंस हो सकता है, इसलिए मैंने फॉरेंसिक में दे दिया है। मैंने पुलिस कमिश्नर को यह वादा किया है कि 24 घंटे के अंदर मेरी टीम ने यह केस सॉल्व नहीं किया तो हम सबके रेजिग्नेशन लेटर उनके टेबल पे होंगे। सॉल्व करना तो दूर की बात है, 24 घंटे के अंदर दूसरी वारदात भी हो गई। सुगंधा, बलार्ड पियर के सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर वो अभी अभी आई है, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। हरिया मैम, बहुत मुश्किल से ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली है, पिक्सेलेटेड है, ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्टॉप, ये लड़की कौन है? ये कपड़ों से तो रिया लग रही है ना। गो फॉरवर्ड। स्टॉप स्टॉप, ये इसमें कुछ अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ। एक मिनट, ये इसकी टी शर्ट पे क्या लिखा है जरा जूम करना। एस आई एल वी ई आर, ये तो किसी लोगो की तरह दिख रहा है। ये प्रोटीन बार का रैपर है, वो जो बॉडी बिल्डर्स खाते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन इस पर मुझे कुछ और भी मिला है। दिखने में चौक पाउडर जैसा है लेकिन थोड़ी अलग किस्म का। What do you mean? Is it cocaine? है तो चौक पाउडर है लेकिन लिखने वाला नहीं है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट है। सी, ये हाथों पे लगाने के काम आता है और इससे पसीना भी नहीं आता। ये पाउडर पावर लिफ्टर्स, रेसलर्स ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ लेकिन ये आखिर में इन तीनों लड़कियों में हमने कॉमन कनेक्शन ढूंढ निकाला है। What do you mean? क्या कॉमन लिंक है? हम घर और ऑफिस देखते रह गए और एक कॉमन लिंक मिस हो गया, जिम। तीनों लड़कियां एक ही जिम जाती थी, सिल्वर जिम। ये लोगों तो हमने टाइम क्यों लग रहा है? हमारी बात 5 की हुई थी। अरे सर, तीन पुलिस वालों को तो निपटा दिया है, बाकी दो को भी जल्दी निपटा दूंगा। वैसे भी इन पुलिस वालों को देखता हूं ना, खून खोल जाता है। और अगर तुम पकड़े गए तो? अगर पकड़ा गया तो सर ऐसा धमाका करके जाऊंगा ना, तीन पुलिस वालों की रूह तक कांप जाएगी। इन्हें पता नहीं है किससे पंगा लिया है। इस बार टारगेट कुछ ज्यादा ही खास है, मैं तुम्हें टारगेट की फोटो भेज रहा हूं। और हां, इन्फॉर्मेशन भी भेज रहा हूँ, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर। अरे मैडम आप, क्या हो गया फिर से मुझसे कुछ? अरे नहीं नहीं, मैं ऑफ ड्यूटी हूँ। वो तो मैं बांद्रा जा रही थी और मेरी कार बंद पड़ गई, और ऊपर से मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। अब मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? अर्जेंट कॉल करना है जी। हाँ थैंक यू। हेलो, अरे सच में कार बंद पड़ गई है, पता है ना पुलिस वाले कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छा मैं आती हूँ, हाँ कैब लेके आती हूँ। थैंक यू मैडम। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँ, मैं भी एक्चुअली बांद्रा ही जा रहा था किसी काम से। ओह ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, थैंक यू। मैं एक मिनट बैग ले लूं। जी
लड़ी है। सुगंधा, मासी, अश्वान तुम्हारा अंदाजा करेक्ट था, उसका टारगेट लड़कियां नहीं पुलिस वाले थे। ये विजु इन पुलिस वालों पर पूरी नजर रखता था सर, कौन सी चौकी के कौन से बीट पर कौन सा पुलिस वाला इसको पूरी खबर रहती थी, उसके बाद ये इन लड़कियों को उन्हीं बीट के आसपास टारगेट करता था ताकि वही पुलिस वाला आए जिसे वो मारना चाहता। लेकिन सर अगर वहां पे कोई और पुलिस वाला आ गया होता तो? ऐसा हुआ नहीं, मेरा बस चलता तो उसे अपने हाथों से मार देता, पुलिस वाले को मारने चला था। क्या दुश्मनी थी उसे पुलिस वाले के साथ? दुश्मनी थी सर, एक साल पहले इसका भाई इनकाउंटर में मारा गया था, तब से ये पुलिस वालों से बदला लेने के लिए घूम रहा था। एक और बात सर, मुझे नहीं लगता कि ये विजु अकेला है, आई थिंक वो सिर्फ एक प्यादा है और असली खेल का खिलाड़ी कोई और ही है। मरने से पहले वो किसी को कॉल कर रहा था। वर्षा, कॉल रिकॉर्ड चेक किए? यस सर, चेक कर लिया है, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से लास्ट कॉल इनकमिंग है। लेकिन वो ट्रेस नहीं हो पाया, आई थिंक इंटरनेट से रीरूट किया गया था, पर हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। Let's hear it, sir. इतना टाइम क्यों लग रहा है? हमारी बात 5 की हुई थी। अरे सर, 3 पुलिस वालों को तो निपटा दिया है, बाकी 2 को भी जल्दी निपटा दूंगा। वैसे भी इन पुलिस वालों को देखता हूँ ना, खून खोल जाता है। तुम पकड़े गए तो? अगर पकड़ा गया तो सर ऐसा धमाका करके जाऊंगा ना कि इन पुलिस वालों की रूह तक कांप जाएगी। वर्षा, yes, sir. Rewind करना, the last bit. Yes, sir. अगर पकड़ा गया तो सर ऐसा धमाका करके जाऊंगा ना कि इन पुलिस वालों की रूह तक कांप जाएगी। धमाके के साथ जाऊंगा, इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे सोड़ा ना सर, लोगों को बड़ी बड़ी फेंकने की आदत होती है। नहीं अनुज, सोचने वाली बात यह है सर कि अगर ये मरने से पहले अपने फोन पे किसी को कॉल नहीं कर रहा था तो ये फोन पे कर क्या रहा था? बॉम्ब। यू मीन सुसाइड बॉम्बर? इसका मतलब बॉडी में अभी भी बॉम्ब हो सकता है? नहीं, अगर बॉडी में बॉम्ब होता तो हमारा स्कैनर उसे गेट पे पकड़ लेता। यहाँ कुछ और बात है अनुज। वर्षा, हमें बीजू के घर से क्या क्या मिला है मुझे लिस्ट चाहिए अभी इसी वक्त। सर जिम इक्विपमेंट, प्रोटीन, स्टेरॉइड और एक कार। ये कार कहाँ है? सर बाहर पार्किंग में। गाइस बी केयरफुल। आयुष्मान, विक्की। यस सर। यही होगा सर। एमडी।
उसे पता था कि जब पकड़ा जाएगा तो गाड़ी स्टेशन पर आकर ही खड़ी होगी। पुलिस वालों से इतनी नफरत, मरने के बाद भी चल चल गया। अनुज, वर्षा, yes, sir. जल्दी से सबको लेके बिल्डिंग के बाहर जाओ। Evacuate everybody and bomb squad को बुलाओ अभी के अभी। चलो, निकलो यहाँ से, निकलो, आओ जल्दी, चलो, उठो, जल्दी करो, बाहर, बाहर, चलो, 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 जल्दी भागो, 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 शाबाश, आउट, आउट, आउट। दो मुझे। क्या करें सर? ये मेरा काम है, मुझे हैंडल करने दीजिए, प्लीज हटिए। तुम भूल रहे हो, ये टीम मेरी है, रिस्क लेने का हक मेरा भी है, और वैसे भी बॉम्ब डिस्पोजल में मेरा तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहस मत कर दो मुझे। सॉरी सर, इस केस को मैं लीड कर रहा हूं और मैं अपनी जगह किसी और को नहीं दे सकता, आपको भी नहीं। आप प्लीज बिल्डिंग के बाहर जाइए। जज्बाती होने का वक्त नहीं है आयुष्मान, तुम्हारे बाप ने जो किया उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी प्रूव करने का हर बार जरूरत नहीं होती। जरूरत है सर, आपको नहीं है पर मुझे जरूरत है। आप चाहे तो मुझे बाद में सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। पहले ही मेरी वजह से इसी भी सुगंधा को गोली लग चुकी है, अब अगर किसी की जान जाएगी तो वो मेरी होगी। लीसा, मूव अवे। तुम सच में पागल हो आयुष्मान? अच्छा, दोनों साथ में डिफ्यूज करेंगे, सिर्फ 15 सेकंड बचे हुए। फाइन, आई एम गोइंग फॉर इट सर। स्टॉप सर, 10 सेकंड सर। कट ऑफ लुवन। लुवन सर? यस। No. सर आप क्या हुआ? No. The red one. Sir, red one or blue one, sir? Red one, काफी ना टाइम नहीं। Are you sure, sir? जल्दी का। Are you sure? Yes. Ah. उड़ गए तुम। Welcome back. कहाँ हूँ मैं? बहुत सर फट रहा है। शुक्र मनाओ तुम्हारी जान बच गई। यही होता है जब एक साइड हीरो हीरो बनने की कोशिश करता। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर गोली 2 इंच नीचे होती ना तो खेल खत्म था तुम्हारा। अभी कोमा से उठी हो, फिर दुनिया से उठ गई होती। कोमा? कब से हूँ मैं यहाँ पे? करीब 11 महीनों से बेड पे लेटे लेटे तनख्वाह ले रही हो। लकी यू। 11 महीने? और हाँ, इन 11 महीनों में 5 बार खून दिया तुम्हें मैंने। यू कैन थैंक मी लेटर। और हाँ, जब खड़े होने के लायक हो जाओ तो मुझे सैल्यूट भी कर सकती हो। DCP प्रमोट हो गया हूँ मैं। शांतनु सर को डिमोट करके हमारा जूनियर बना दिया। अब मैं तुम सबका नया हेड हूँ। हेड नहीं, हेडेक हो तुम। DCP आयुष्मान, पहले ECP की जॉब तो कर लो। दुखी ना, उस राक्षस को मार गिराया मैंने, अब दोबारा पुलिस वालों को मारने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। Anyway, वैसे एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तुम्हारा भांजा सुगंधा, आई वॉज थिंकिंग कि तुम्हारा भांजा अपने पेरेंट्स को पहले ही खो चुका है, तुम्हारे साथ भी टाइम कम ही मिलता है उसको। ऊपर से कंट्रोल रूम का स्ट्रेस, टेंशन वगैरह वगैरह। आई मीन देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस जॉब को, तुम्हारी माँ खो चुकी हो ना तुम, आई मीन कंट्रोल रूम का स्ट्रेस देख लो अगर नहीं। वो क्या है ना कि हम औरतों को मल्टीटास्किंग करनी आती है, पर तुम मर्दों से तुम्हारी बस की नहीं है। बाप रे, लगता है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से काम करना शुरू हो गया है। ACP सुगंधा सिंह इज फिट फॉर ड्यूटी। एक बात बताओ, ये अकड़पन मेंटेन करना टफ नहीं हो जाता तुम्हारे लिए? नेचुरल टैलेंट है, एफर्टलेस। यू सी, तकलीफ बस तब होती है जब तुम्हारे लेवल का सेंसिटिव होना पड़ता है। दैट इज टफ। मासी, सॉरी मासी, कॉटेज चीज क्रीमी स्पिनच सॉस के साथ अच्छे से मिला के हल्के मसालों में डूबी हुई एक टेस्टी डिश। मैं खिलाऊं? Excuse me. You know what they say? An apple a day keeps the doctor away. See you around. Morning, sir.
सर, टारगेट घर पे। इस बार टारगेट कुछ ज्यादा ही खास है और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर, नंबर 7 इज डेड। एक जाता है, दूसरा आता है। प्यादे के मरने से किंग के जीतने के चांसेस कम नहीं होते। पुलिस से नफरत करने वालों की लाइन बहुत लंबी है। देखते हैं अगला नंबर किसका है। आगे के एपिसोड के लिए देखिए सिर्फ दंगल टीवी चैनल।